हमारे देश के चार साल में युवा को रिटायर, अब 75 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बनना है। इन्होंने कहा कि 5 किलो चावल भी दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये 5 किलो चावल भी कोई अपने बाबूजी के खजाना से नहीं दिया जाता है, ये जो चावल है ये देश का जनता का है। लेकिन उन्होंने इतना झूठ बोला, आपने 2019 में आपने बदला नहीं, कहीं ना कहीं आपका गलती है साथियों, आपका गलती है। आपने कहा एक बार और देख लेते हैं, और ये दूसरी बार है, अगर दूसरी बार नहीं बदलिएगा तो कहीं ना कहीं आज आने वाला समय में हमारा संविधान खतरे में हो जाएगा। आप सभी को चुनावी सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये सिर्फ चुनावी सभा नहीं है, ये खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग के जिसको हक अधिकार नहीं मिल रहा उसकी आजादी की लड़ाई है साथियों। इसलिए तमाम हमारे साथी अपने आप को मानिए कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय सम्राट जी से मैं आग्रह करूंगा, इन्होंने कहा कि 5 किलो चावल भी दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये 5 किलो चावल भी कोई अपने बाबूजी के खजाना से नहीं दिया जाता है, ये जो चावल है ये देश का जनता का है, और देश के जनता का खजाना का पैसे का चावल है। किसी कोई मेहरबानी हम पे नहीं कर रहा है साथियों, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। ये चावल आज से बट रहा है, ये कांग्रेस के टाइम से ही चावल बट रहा है, तेल बट रहा है, राशन बट रहा है गरीब लोगों के लिए, और हमें नहीं चाहिए। हमें आपने जो वादा किया था कि 2 करोड़ युवा को हर साल में नौकरी चाहिए, आप हमारे बच्चे को नौकरी दे दीजिए, हमें चावल नहीं चाहिए। आप हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बना दीजिए, हमें चावल नहीं चाहिए। चाहिए साथियों, चावल नहीं चाहिए। आप हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल बना दीजिए इलाज कराने के लिए, हमें आप देश का सरकार का चावल नहीं चाहिए। इसलिए साथियों, ये सरकार जो है वो आपका नहीं है, ये गरीब पिछड़ा का नहीं है, ये अडानी अंबानी टाटा का है, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है साथियों। 10 साल पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री क्या कहे थे कि आप हमें लाइए, हम इस देश में हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या ये नौकरी पूरा हुआ साथियों? चाहे हम हो या मोदी जी हो या हमारे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, हम लोग जनता का सेवक है, हम मालिक नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमें अगर प्राप्त होता है तो हम जनता के लिए काम करने के लिए आते हैं साथियों, हम आपका मालिक नहीं है, आप जनता जो है हमारे मालिक है। और जो नेता जनता से झूठ बोले, जनता को गुमराह करे, वो नेता कभी आपका नहीं हो सकता साथियों, वो कभी अच्छा नेता नहीं हो सकता। आज बताइए, मोदी जी ने 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का काम वादा किया था, क्या वादा पूरा हुआ? तो ऐसे सरकार को बदलने की आवश्यकता है साथियों, ऐसे नेता को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ही मालिक है। आप देखिएगा, अगर सरकारी नौकरी में बहाली होता है तो 60 साल तक जब तक उसका उम्र होता है तब तक वो सरकारी नौकरी पे डटे रहेंगे, लेकिन नेता को सिर्फ 5 साल का मौका मिलता है, और 5 साल में अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता न्याय करेंगे और दोबारा उनको चुनने का काम करेंगे। अगर जनता के बीच में अच्छा काम नेता नहीं करेंगे तो ये जनता के पास अधिकार है उसको बदलने का। आपने 2014 में उनको लाया, लेकिन उन्होंने इतना झूठ बोला, आपने 2019 में आपने बदला नहीं, कहीं ना कहीं आपका गलती है साथियों, आपका गलती है। आपने कहा एक बार और देख लेते हैं, और ये दूसरी बार है, अगर दूसरी बार नहीं बदलिएगा तो कहीं ना कहीं आज आने वाला समय में हमारा संविधान खतरे में हो जाएगा साथियों, संविधान खतरे में हो जाएगा। आपको जो उन्होंने वादा किया, अपने दिल पे हाथ दीजिए कि अगर वह वादा पूरा किए तो निश्चित तौर पे उनको वोट मिलना चाहिए। अगर आपके वादा का खिलाफी किया, वादा पूरा नहीं किया, तो उनको बदलने की आवश्यकता है साथियों, बदलने की आवश्यकता है। आज मोदी जी देखिए, 75 साल की उम्र हो गया, इस उम्र में लोग खटिया पर बैठकर हरे रामा हरे कृष्णा कहता है, लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं कि देश की जनता हमको तीसरी बार मौका दीजिए, हम फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते। अब बताइए, 75 साल की उम्र में तीसरी बार मौका चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे देश के युवा के साथ कैसा खिलवाड़ किया। हमारे देश का युवा जो देश के सरहद पर जाके सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहता है, उन्होंने एक योजना लाया, अग्निवीर योजना। वो भी योजना क्या है, आप 18 साल में ज्वाइनिंग कीजिए और 22 साल में रिटायर हो जाइए, यानी कि शादी करने से पहले आप रिटायर हो जाइए, मात्र 4 साल का नौकरी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी है साथियों। आप बताइए, हमारे देश के 4 साल में युवा को रिटायर, और 75 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बनना है। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, और खास करके हमारे VIP पार्टी के
हमारे जितने भी बिंद बेलदार नोनिया मला चाहे तियर बनपर जितने भी हैं, आप सभी से आग्रह है, आप सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, आपने ये नारा दिया था और वो समय आ चुका है अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे का भविष्य के लिए ऐसे सरकार को बदलने का। साथियों, ऐसे सरकार को जो आपसे वादा किया हुआ वादा वो कहीं ना कहीं वो भूल गया और आपके हक अधिकार नहीं दे रहा। साथियों, तो तमाम हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।